हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टडी किया था। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। एक्चुअली कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ये आपका यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड टू सेंड, रिसीव एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन है अगर उसे हमें एक्सचेंज करना है, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाना है, तो हमें कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा। हम इसकी डेफिनेशन जो एग्ज़ाम में लिखनी है वो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन, और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ यूज्ड टू रिसीव एंड प्रोसेस, इट इज़ यूज्ड टू सेंड, रिसीव एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, केबल टीवी, मोबाइल टेलीफोन एटसेट्रा। आपके एग्जाम में इसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको ब्लॉक अगर आएगा कि डिफाइन या फिर एक्सप्लेन कम्युनिकेशन सिस्टम बाय यूजिंग ब्लॉक डायग्राम, तो ये आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है। यहाँ पे जो हमने पैरामीटर्स लिखे हुए हैं ये आपके वेरी भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने इनपुट ट्रांसड्यूसर यूज़ किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ब्लॉक डायग्राम में या हर किसी ब्लॉक डायग्राम में ये सेम हो। थोड़ा आगे पीछे ये हो सकता है कि इनपुट ट्रांसड्यूसर की जगह हम उस टाइम सिर्फ ट्रांसमीटर लगा दें, तो उसमें बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके ब्लॉक डायग्राम के हर कंपोनेंट के बारे में। तो इसमें हमने पहले इन्फॉर्मेशन सोर्स लिया है। इन्फॉर्मेशन हमारी कुछ भी हो सकती है, लाइक ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, एनीथिंग, या कोई मैसेज, कुछ भी हो सकता है। तो वो आता है आपका इन्फॉर्मेशन सोर्स में, और ये इन्फॉर्मेशन सोर्स फिर इनपुट ट्रांसड्यूसर के पास जाती है, और ट्रांसड्यूसर हमें पता है उसका काम होता है ओरिजिनल मैसेज को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा कन्वर्ट करता है, ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट मैसेज इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा मिल जाता है वो हमारा फिर जाता है ट्रांसमीटर के पास। इनपुट साइड में ट्रांसमीटर लगा होता है, देन ये जाता है आपका चैनल के पास। चैनल में हम नॉइस को इंट्रोड्यूस कराते हैं। नॉइस हमारा कोई भी अनवांटेड सिग्नल हो सकता है, और जो चैनल है ये हमारा वायर्ड भी हो सकता है, वायर्ड और वायरलेस भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है हमारा। देन ये सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो हमारे पास फिर रिसीवर के पास आता है, रिसीवर से आउटपुट ट्रांसड्यूसर के पास जाता है। आउटपुट ट्रांसड्यूसर का काम है उसे वापस ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करने का। तो हम ये कह सकते हैं ये रिसीव करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल और उसे वापस फर्दर कन्वर्ट करेगा ओरिजिनल सिग्नल में। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो रिसीवर है, रिसीवर से हमारे पास सिग्नल आएगा आउटपुट ट्रांसड्यूसर में, वो ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलेगी वो ओरिजिनल फॉर्म में होगी, हमारी इन्फॉर्मेशन इन ओरिजिनल फॉर्म, या फिर ये कह लीजिए ओरिजिनल सिग्नल हमें मिलेगा, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। तो ये हो गया आपका आउटपुट ट्रांसड्यूसर, और ये पूरा ब्लॉक डायग्राम है कम्युनिकेशन सिस्टम का। इसमें हमने हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑडियो या वीडियो फॉर्म में है, उसे हमने ट्रांसड्यूसर को दिया, ट्रांसड्यूसर ने उस ओरिजिनल मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, देन ट्रांसमीटर को सेंड किया, ट्रांसमीटर ने उसको चैनल के पास सेंड किया, चैनल से नॉइस इंट्रोड्यूस हो गई, नॉइस मे बी एनी अनवांटेड सिग्नल, इट मे बी वायर्ड और वायरलेस। देन ये सिग्नल हमारे पास रिसीवर के पास आएगा, रिसीवर ने उसे वापस आउटपुट ट्रांसड्यूसर पर भेज दिया, और आउटपुट ट्रांसड्यूसर ने इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट कर दी आपकी ओरिजिनल मैसेज में। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है कम्युनिकेशन सिस्टम का। सिग्नल्स आपके दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिग्नल्स में हम स्टडी करेंगे, टू टाइप सिग्नल्स। एक फर्स्ट है हमारा एनालॉग सिग्नल, सेकंड है हमारा डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल होता है हमारा सिग्नल मैग्नीट्यूड वेरीज इन अ स्मूथ वे विदाउट एनी ब्रेक विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
एग्जाम्पल है इसका ऑडियो सिग्नल। ये आपका ऑडियो सिग्नल कुछ इस तरह से होगा जो कि विदाउट एनी ब्रेक चलता रहेगा। देन आपका है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल वो सिग्नल होते हैं, सिग्नल मैग्नीट्यूड हैज ए कॉन्स्टेंट लेवल फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम दैट इट चेंजेस सडनली टू अनदर कॉन्स्टेंट लेवल। इसका एग्जाम्पल है आपका बाइनरी सिग्नल। ये आपका कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए ही अवेलेबल रहता है। कौन सा सिग्नल? डिजिटल सिग्नल। तो ये है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। इसको आप अच्छे से स्टडी करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये जितने भी नोट्स हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।